नमस्कार, मैं हूं रूपावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। कोटपुतली विधायक एवं उच्च शिक्षा गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने जयपुर स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को लेकर राज्यपाल मिश्र से चर्चा की। इस अवसर पर त्रिभुवन यादव भी मौजूद रहे। आज निर्जला एकादशी के अवसर पर जल मंदिर का लोकार्पण श्री बिहारी दास जी नारावाले बालाजी महाराज, श्री देशराज भगत जी जगन्नाथ धाम, श्री नरेंद्र दास महाराज मथुरा वाले केकर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। स्व श्रीमती किस्तूरी देवी धर्मपत्नी स्व श्री बहादुरमल मित्तल की पुण्य स्मृति में पुत्र बजरंग प्रसाद नरेश कुमार मित्तल पुरुषोत्तमपुरा वाले पूर्व पार्षद व श्रीमती किस्तूरी देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा डाबला रोड मित्तल स्माइल केयर के सामने। सीकर जिलांतर्गत खंडेला में अधिवक्ता हंसराज मावलिया द्वारा SDM राकेश कुमार व SHO घासीराम मीना के दुर्व्यवहार से परेशान होकर SDM न्यायालय परिसर में आत्मदाह कर लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्षेत्रीय अधिवक्ताओं सहित अन्य जगहों पर भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं कोटपुतली अभिभाषक संघ द्वारा अधिवक्ता आत्महत्या घटना को लेकर शुक्रवार को एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार कर दिवंगत अधिवक्ता को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दूसरी ओर अभिभाषक संघ अध्यक्ष एड अशोक यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने उपखंड परिसर पहुंचकर घटना के विरोध में नारेबाजी करते हुए SDM ऋषभ मंडल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की।